मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस 24 नवंबर को निकाला जा रहा है। जुलूस की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 12 रबीउल अव्वल को हर साल जुलूस मिलाद उन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निहायत अकीदत व एहतराम के साथ अहतमाम किया जाता है। इस बार ये जुलूस 10 नवंबर को निकलने वाला था, लेकिन आयन एक दिन कबल बाबरी मस्जिद हक मिल्कियत केस का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत के फैसले के सामने आने के बाद शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल में कोई बिगाड़ ना पैदा कर सके, इसके लिए मरकजी मिलाद कमेटी ने तमाम अफराद के मशवरे से 10 नवंबर के जुलूस को मुलतवी कर 24 नवंबर को जुलूस निकालने का फैसला किया। पुलिस इंतजामिया ने भी मिलाद कमेटी के फैसले की सताइश की, लिहाजा 24 नवंबर को निकलने वाले जुलूस की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 24 नवंबर को सुबह 2 बजे निजाम कॉलोनी ग्राउंड से ये जुलूस निकलेगा और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मोहम्मद अली रोड से मुतसिल ग्राउंड पर एक जलसे में तब्दील हो जाएगा। जलसे के इख्तिताम पर मिलाद कमेटी की जानिब से दावत ताम का भी नज़्म किया गया है। जुलूस को कामयाब बनाने के लिए कसीर तादाद में लोगों से शिरकत की अपील मरकजी मिलाद कमेटी की जानिब से की गई है। जुलूस में शरीक होने वाले नौजवानों से ये दरख्वास्त की गई है कि वो तमाम इस्लामी आदाब का लिहाज रखते हुए जिक्र फिक्र के साथ चलें, किसी भी तरह का शोर शराबा ना हो, मोटरसाइकिलों पर तेज रफ्तार से दौड़ ना लगाएं, अपने किसी भी अमल के जरिए ऐसा कोई काम ना करें जिससे इंतजामिया को आपके खिलाफ कार्रवाई का मौका मिल सके।